मंच पर उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई जिनके नेतृत्व में आज का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, वो हमारे मंत्रालय के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, हमारे साथी फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्री सतपाल महाराज जी, इरावेल्ली दयाकर राव जी, खेमचंद सिंह जी, मुरारी प्रसाद गौतम जी, लालरिन लाना जी, श्री जमीर जी, श्री रंजीत दास जी, हमारे सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार जी, मेरे सामने उपस्थित सभी अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी साथीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं उन सभी पंचायत के प्रधानों को, तालुका प्रधानों को और जिला के प्रधानों को जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जिनको पुरस्कार नहीं मिला उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में जिन साथियों ने अच्छा काम किया उनके नक्शे कदम पे चल के अपने पंचायतों को भी पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य बनाए, इसलिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे मंत्री जी के हाथों से यहाँ पे ग्राम सभा निर्णय के ऐप का ऐप लॉन्चिंग हुआ है। ग्राम सभा का महत्व पंचायतों में क्या होता है ये आप सभी लोग जानते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का, और हमारे मंत्री जी का सपना है श्रेष्ठ गांव बनाने का। जब तक गांव श्रेष्ठ नहीं बनेगा तो आप भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। इसलिए ग्राम सभा का ऐप जिसका लॉन्चिंग यहाँ पे हुआ है, इसके ऊपर काम करके आपको आपके पंचायत को श्रेष्ठ बनाना है। ग्राम सभा के बैठक की संक्षिप्त कार्रवाई इस ऐप में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैठक के उपरांत सभी सदस्यों के जो विचार बैठक में व्यक्त होने वाले हैं वो पंचायत के सचिव द्वारा उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो। साल भर में 6 ग्राम सभा अगर हम लोग लेते हैं तो गांव को श्रेष्ठ बनाने में निश्चित तौर पर आप आगे आ सकते हो, और साथ में ये दस्तावेज जो पूरा है आपका एसेट है उसको भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। ग्राम सभा का महत्व क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जब 88 में सरपंच बना तो पहली ग्राम सभा मैंने गांव की आयोजित की थी। आश्चर्य की बात है, मैं, मेरा उपसरपंच और हमारे ग्राम सचिव, हम तीन ही लोग ग्राम सभा में थे। फिर तीनों ने ऐसा निर्णय लिया कि हम लोग अगले तारीख को खाना रखते हैं तो खाने के भरोसे तो गांव के लोग आएंगे। तो खाना रखा
तो हमारे 9 मेंबर आ गए, गांव का कोई आदमी आया नहीं, क्योंकि सभा थी हमारे अर्जेंट, इसलिए कोरम का कोई इश्यू नहीं था। फिर गांव के जो कर्मचारी पंचायत के थे उनको रास्ते पे खड़ा किया और जो आते जाते वहां से मिले उनके साइन लेने चालू कर दिए। ये क्यों हो रहा था कि मेरे पहले जो सरपंच लोग काम करते थे उन्होंने गांव में विश्वास निर्माण नहीं किया था कि गांव में जाके ग्राम सभा को हम लोग हमारा योगदान देना चाहिए, ये विश्वास उन्होंने निर्माण नहीं किया था। और ईश्वर के आशीर्वाद से, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद से मैंने सरपंच के पद के ऊपर ऐसा काम किया कि मेरी ग्राम सभा जब अगली होने लगी तो हमारे सभागृह में जगह ही नहीं बचती थी। तो मैं हमेशा कहता हूं दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन हमें अगर हमारी पहचान बनानी है तो अपने काम पे दम पे हमारी पहचान हमको बनानी पड़ती है। अगर आपके काम पे दम पे आपकी पहचान बनाओगे तो आप निश्चित तौर पर हमारे सामने प्रश्न खड़ा करोगे कि आज हम लोगों ने पुरस्कार दिए, 1 नंबर के 14 पुरस्कार दिए, इतनी पंचायतें आ जाएगी कि पुरस्कार किसको दे और किसको छोड़े, ये सवाल हमारे सामने निश्चित तौर पर आप निर्माण कर सकते हो। इसके लिए गांव को साथ में लेके आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ में, पंजाब सरकार ने रखी थी, तो वहां एक गांव में मैं विजिट करने गया, सिरसोनी करके गांव है, पंजाब से अगर कोई आया है तो उनको जानकारी होगी। तो वहां पे एक सरपंच महोदय थे, उनके भाई रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, घर में कोई दुर्घटना घड़ी, उनके चाचा गुजर गए तो ऑस्ट्रेलिया से भाई यहां पे आए थे, तो 1.5 साल गए ही नहीं। वो भाई ने एक रिवाज बनाया वहां पे, सरपंच ने नहीं उसके भाई ने, उसने रिवाज बनाया हर साल में 2 ग्राम सभा लेते हैं और ग्राम सभा में सारे गांव को इकट्ठा करते हैं और 1 ग्राम सभा में 3 लाख का डोनेशन गांव वाले वो ग्राम सभा में गांव के विकास के लिए देते हैं। अगर गांव इस तरह से सोचेगा, आप गांव के लोगों में अगर इस तरह से विश्वास निर्माण करोगे तो निश्चित तौर पर विकास के लिए आपको राशि की कमी नहीं होगी। अगर हमारे मंत्री जी जो चाहते हैं आने वाले दिनों में आप अगर उसमें कहीं कम पड़े तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो ग्राम सभा का ऐप है इसका इस्तेमाल करके अगर आप गांव को विकास के पथ पर ले जाने में कहीं चूके तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके पास जो विरासत से 15 फाइनेंस फंड एफसी का जो फंड आता है वो रोकने का काम हमारे मंत्री आगे चल के कर सकते हैं। अगर एफसी का फंड अभी जो आ रहा है 674 रुपया पर हेड आ रहा है, इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा ताकि हमारे मंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाके उनको बोल सके कि मेरे गांव के सरपंच इस तरह से विकास कर रहे हैं कि उनको पैसा विकास के लिए कम पड़ रहा है, इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना पड़ेगा। और एक बात इसके साथ मैं जोड़ूंगा, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, एक बात इसके साथ में मैं अवश्य जोड़ूंगा कि जब भी मौका मिलता है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांव के विकास के लिए डायरेक्ट पंचायतों को 2,36,000 करोड़ रुपया 15 फाइनेंस से जाएगा, लेकिन हमारे सरपंच क्या करते हैं, गांव में दिखाते हैं कि ये मेरा फंड है, भैया 15 फाइनेंस कमीशन का नाम लिखा करो ताकि प्रधानमंत्री जो लाल किले से भाषण करते हैं वो लोगों को पता चले गांव के कि ये फंड केंद्र सरकार के माध्यम से गांव के विकास के लिए डायरेक्ट आ रहा है, भले वो डिवोशन का फंड है,
इसमें राज्य का भी थोड़ा सा हिस्सा होता है, फिर भी उसको नाम देने की आवश्यकता है। जैसे आप खुद के नाम के लिए काम करते हो, वैसे केंद्र सरकार के माध्यम से जो फंड आता है उसको केंद्र सरकार का नाम देना निश्चित तौर पर जरूरी है। सरपंच पद पे आप लोग काम करते हो, निश्चित तौर पर मुझे कहने में खुशी होगी कि जिन लोगों को पुरस्कार मिला, शायद इन लोगों ने ऐसा काम किया होगा कि जीवन में उन पेड़ के जीवन को पेड़ के उन पत्तों जैसा नहीं बनाए जो समय के साथ सूखकर जमीन पर गिरे, मेहंदी के उन पत्तों जैसा बनाइए जो खुद पीसकर दूसरों के जीवन में रंग भरे। अगर इस तरह से आप काम करोगे, गांव के बारे में सोचेंगे, गांव के जीवन में रंग लाने का आप लोग काम करोगे, तो निश्चित तौर पर आपकी पहचान बनाने में योगदान दोगे, ऐसा मुझे निश्चित तौर पर लगता है। ये स्वच्छता का पुरस्कार है, कार्बन न्यूट्रल का पुरस्कार है, ये सारे जो पुरस्कार है, मैं कल ही एक प्रोग्राम में गया, मंत्री जी से मैं कह रहा था, हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कल दिया गया, अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो है इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राज्य सरकार ने पुरस्कार दिया था। कितने लोग इकट्ठा हुए थे आप यकीन नहीं कर सकते हो, 25 लाख लोग थे, उनके सारे जो अनुयायी है वो 25 लाख लोग एक साथ में आए थे। क्या काम करते हो? वो स्वच्छता के ऊपर काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान शुरू किया तो उनको नॉमिनेट किया था। मैं एक और किस्सा बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के 75 साल के उपलक्ष्य में मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में 75,000 पेड़ लगाने का संकल्प किया और उनसे मदद मांगी, कुछ सरपंच लोगों को भी बोला तो उन्होंने सम्मति दे दी। मेरे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी उसके लिए आने वाले थे, तो हम पहुंचने तक खाली 2 पेड़ लगाना बाकी था, बाकी 75,000 पेड़ 2 घंटे के अंदर हमारे अप्पा साहब धर्माधिकारी के अनुयायियों ने लगाकर उनका काम पूरा कर दिया था। ये कार्बन न्यूट्रल के लिए ये काम करना, ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वच्छता के ऊपर भी बहुत अच्छा काम वो करते हैं, स्वच्छता के लिए भी उनके अनुयायी अपना अपना योगदान देते हैं। क्या हर जगह पे अप्पा साहब धर्माधिकारी जैसे जो संगठन है तो वही काम करे? तो फिर हमको जो गांव ने जिम्मेदारी दी है, हमको सरपंच बना के हमारे गांव को स्वच्छ करने की जो जिम्मेदारी दी है, हम कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी से चूक रहे, ऐसे हमें नहीं लगता क्या? थोड़ा सा आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारी अगर हम लोग सही तरह से पूरी करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा भारत स्वच्छ, जो प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत है, वो स्वच्छ भारत बनने में हमने हमारा योगदान दिया, ऐसा उसका मतलब होगा। पानी के ऊपर भी पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। मैं तो आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग इसी तरह से निग्लेक्ट करते रहे तो एक दिन कैसी परिस्थिति होगी। हमारे दादाजी ने नदी में पानी देखा था, हमारे पिताजी ने कुएं में देखा, हमने टैब में देखा, हमारे बच्चों ने बॉटल में देखा, हमारे पोते कहाँ देखेंगे? कैप्सूल में? अगर हम लोग निग्लेक्ट करते रहेंगे तो हमारे पोते आंखों के आंसू में पानी देखेंगे। इसलिए हमें इस तरह से काम करना है कि आने वाले दिनों में हमारे गांव को सारे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सारी जो समस्या है, समस्या की जड़ है, वो हम लोग खत्म करेंगे। हमारे मंत्री जी की यही सोच है, वो बार बार हमें कहते रहते हैं कि गांव के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, कार्बन न्यूट्रल में कुछ करने की आवश्यकता है, पेड़ लगाने की आवश्यकता है। हमारी बहनें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो सक्षम किस तरह से हो, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मैं परसों भाई साहब हमारे औरंगाबाद के पटोदा
गांव है वो पंचायत के एक सरपंच है पेरे पाटिल जी, उनका स्पीच सुन रहा था यूट्यूब पर। वो बता रहे थे कि हमारे गांव में हम लोगों ने कानून बनाया है, अगर हाउस टैक्स देना है तो एक तारीख को ही देना चाहिए, 1 अप्रैल को, साल पूरा होने के बाद नहीं, 1 अप्रैल को देना चाहिए ताकि साल भर में विकास के लिए फंड आ जाए। 7 दिन उन्होंने दिया है कि 7 अप्रैल उनके पंचायत का जन्मदिन है इसलिए 7 दिन उन्होंने दिए हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में खुद का चक्की पंचायत ने बिठाया है, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन बिठाई है, मसाला बनाने वाली मशीन बिठाई है, चक्की बिठाई है। तो गांव का विकास करने के लिए गांव के पास पैसा भी बचना चाहिए, हमारे गांव का हरेक नागरिक सक्षम होना चाहिए, इसलिए सारी सुविधा दी। और इनोवेटिव उन्होंने कहा भाषण में, मैं सुन रहा था, मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि गांव में हमारे गली होती है तो गली के दोनों तरफ सब्जी के पेड़ लगाए और आते जाते सब्जी तोड़ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। ये कितना इनोवेटिव आइडिया है, गांव के लोग सोचेंगे तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। गांव को सक्षम करने के लिए अगर हमने सोचा कि हम योगदान दे सकते हैं तो इस तरह का योगदान हमको देना चाहिए। आज एक तरफ खुशी की बात है, तेलंगाना को पुरस्कार इतने मिले, महाराष्ट्र को 3-4 मिले, ये हम लोग ये हमारी ये सोच है कि हमारे देश में जितने राज्य है उसमें कंपटीशन लगे, एक ही राज्य क्यों, उनका देखे देखे हम लोग और राज्य और पंचायतें इस तरह से काम नहीं कर सकते क्या। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, हमको ये करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में 2,55,000 पंचायतें हैं, तो 2,55,000 पंचायतों ने इस तरह से अगर सोच रखे तो निश्चित तौर पर हमारा गांव श्रेष्ठ होगा, और गांव श्रेष्ठ होगा तो भारत श्रेष्ठ होगा। और हमको लगता है कि ये सब करने में परेशानी तो होती है, जैसे कोई भी काम हम लोग करने लेते हैं तो उसमें परेशानी होती है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक परेशानी का कोई ना कोई रास्ता होता है। वही रास्ता आपको देने के लिए आज 17 तारीख से 21, मेरा टाइम खत्म हो गया तो बता देना, 17 तारीख से 21 तारीख तक आपको यही मार्गदर्शन मिलेगा। आपके सामने जिन्होंने अच्छा काम किया उनका काम भी रखा जाएगा, और वो काम के माध्यम से आप अपने ये अनुभव के माध्यम से अपने गांव में इस तरह से काम करेंगे कि निश्चित तौर पर आपकी एक छवि बनेगी। आपकी छवि ऐसी बनाइए कि आपको लोग हैसियत से नहीं बल्कि आपके काम के दम पर हमेशा याद रखे। अगर इस तरह से आप काम करेंगे कि काम पे दम पे अगर आपको लोग याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ जहाँ काम करने का मिला मौका मिला उस जगह पे मैंने काम को न्याय दिया, इसलिए आपके सामने मोदी जी के आशीर्वाद से आज राजमंत्री बनके हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। आप में से कोई भी कल यहाँ पे आ सकता है, आपके काम पे दम पे आप लोग आ सकते हो। इसलिए जब मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बना तो हमारे मंत्री जी मुझे अभी बता रहे थे कि राज्यों में जो पुरस्कार दिया जाता है तो वो भी गवर्नर और सीएम चीफ मिनिस्टर के हाथों से दिया जाए। हमारे महाराष्ट्र में 12 मार्च को पंचायत राज दिवस होता है और उस दिन जो अच्छी जिला पंचायतें काम करती हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, तालुका पंचायत को पुरस्कार दिया जाता है, ग्राम पंचायत को दिया जाता है, और जो अच्छे अधिकारी भी जो है उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। और मुझे खुशी है आपको बताने में, मैं 2009 से लेकर 12 तक 2.5 साल के लिए जिला परिषद का अध्यक्ष था, और 2.5 साल में 2 ही पुरस्कार मिल सकते, 3 तो मिल नहीं सकते, और दोनों पुरस्कार मेरे जिला परिषद का 1 नंबर लाके दोनों पुरस्कार मैंने लिए थे। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से काम करें कि आप अपने गांव का
अपने तालुका का, अपने जिले का, अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए अगर आपने योगदान देके काम किया तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप पहचान के मोहताज नहीं रहेंगे। जैसे मैंने आज किसी सरपंच का नाम लेके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से आपका भी एग्जाम्पल हर जगह पे दिया जाएगा। इस तरह से आप लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो यहाँ पे आपको 5 दिन बुलाया गया है वो हमारा बुलाना सफल हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में हर एक गांव, देश का हर एक गांव श्रेष्ठ गांव बने उसके लिए आज यहाँ से जाते समय संकल्प करके जाइए कि मैं मेरा गांव श्रेष्ठ बनाऊंगा। जो भी पंचायत राज मंत्रालय से हमें सूचना मिली है वो सूचना के ऊपर काम करके मेरे गांव को मैं विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम करूंगा। यही संकल्प के साथ यहाँ से आप जाएंगे ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ और मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कपिल मुरेश्वर पाटिल जी का। सर, आपने काम के दम पे पहचान बनाने की प्रेरणा दी और साथ ही साथ जिस तरह उन्होंने नदी से बॉटल तक की पानी की यात्रा हमारे सामने रखी, इससे वाकई पानी के महत्व को उन्होंने बखूबी समझाया। और ये डिटेलिंग शायद इसलिए भी है क्योंकि सर स्वयं